हे गाइस, वेलकम बैक अगेन विथ अनदर वीडियो। तो आपका भाई आ चुका है एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ वापस। तो अभी जो आप मेरे हाथ में फ़ोन देख रहे हो रियलमी 9i है, इसमें FRP लॉक लगा हुआ है। तो किस तरीके से आप लोग बाईपास कर सकते हो बिना PC के लेटेस्ट एंड्रॉयड वर्जन का, वो आज के इस वाले वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। चैनल पर न्यू हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर लेना। साथ ही साथ कोई भी प्रॉब्लम आता है तो टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर आपकी हेल्प की जाएगी। तो लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे यार, वीडियो को कर देते हैं शुरू। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले आपको अपने फोन को वाईफाई के साथ कनेक्ट कर लेना है। उसके बाद वॉल्यूम अप प्लस वॉल्यूम डाउन बटन को एक साथ प्रेस करके रखे रहोगे तो टर्न ऑन करने का ऑप्शन आएगा टॉकबैक, तो टर्न ऑन कर लेना, ठीक है। जैसे ही टर्न ऑन करोगे तो कुछ सेकंड के बाद जो है आपका टॉकबैक वो ओपन हो जाएगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हो अपने स्क्रीन पे टॉकबैक ओपन हो चुका है, वेलकम टू टॉकबैक। उसके बाद एल से बनाना है। जैसे ही आप लोग एल से बनाओगे तो कुछ सेकंड यहाँ पे वेट करना है, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही आपको फॉलो करना है मुझे। उसके बाद अलाउ कर देना है, ये माइक का परमिशन आपसे मांगा जाएगा। उसके बाद यूज वॉइस कमांड पर क्लिक कर देना है पहले वाले पे। उसके बाद आपको एक वॉइस कमांड देना है, ओपन गूगल वॉइस असिस्टेंट। जैसे ही आप लोग करोगे तो असिस्टेंट ओपन हो जाएगा। उसके बाद ओपन यूट्यूब आपको बोल देना है, मतलब वॉइस कमांड दे देना है, तो आपका यूट्यूब ओपन हो जाएगा। टॉकबैक बंद कर लेना है, वॉल्यूम अप प्लस वॉल्यूम डाउन बटन को एक साथ प्रेस करके रखोगे तो टॉकबैक बंद हो जाएगा। उसके बाद आपको अपने प्रोफाइल पे जाना है, सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद अबाउट में जाओगे तो प्राइवेसी पॉलिसी वाले पे चले जाना है, तो गूगल क्रोम आपका ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपको गूगल क्रोम का सेटअप कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है एड रोम, मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, साथ ही साथ मैं इसका एंड्रॉयड वर्जन भी दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ से जैसे ही आप लोग एड रोम सर्च करोगे तो फर्स्ट वाले वेबसाइट पर आ जाओगे आप लोग। फर्स्ट वाले वेबसाइट पर आने के बाद जो आपको सेटिंग्स का ऑप्शन दिख रहा है तीसरे नंबर पर, आपको सेटिंग्स यहाँ से ओपन कर लेना है। तो आप अपने फ़ोन के सेटिंग्स में आ जाओगे। उसके बाद जो है आपको जो जाना है अबाउट फोन में जाके, सबसे पहले मैं आपको एंड्रॉयड वर्जन दिखा देता हूँ कौन सा है, देख लो। ये रहा अपना एंड्रॉयड वर्जन, एंड्रॉयड 12 पे, अभी ये एंड्रॉयड 12 पे वर्क कर रहा है, ठीक है। तो आपका एंड्रॉयड 12 है तो आप लोग जरूर ट्राई करना इस ट्रिक को। उसके बाद आपको सिस्टम में आ जाना और सिंपली आपको बैकअप एंड रीसेट में आ जाना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, रीसेट सेटिंग्स ओनली कर सकते हो यहाँ से, तो सिर्फ सेटिंग को हमें रीसेट करना है। तो यहाँ से रीसेट कर लेता हूँ मैं। रीसेट करने के बाद यहाँ पे आपका फ़ोन जो है रीस्टार्ट नहीं होगा। हाँ जी गाइस, यहाँ पे रीस्टार्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको अपना फ़ोन। अभी मैं लाइव प्रूफ आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से सेटिंग रीसेट हो चुका है। सिंपली से इसके बाद जो है आपको बैक आ जाना है। बैक आ जाता हूँ मैं, सब कुछ को कट कर देना है आपको। यहाँ से मैं सब कुछ से बैक आ जाता हूँ, गूगल असिस्टेंट से भी बैक आ जाता हूँ। उसके बाद आपको आगे बढ़ाना है फ़ोन को, जैसे सेटअप करते हो नॉर्मली। जैसे ही आप लोग सेटअप करोगे तो आपका जो FRP लॉक लगा था वो FRP के लिए नहीं पूछा जाएगा आपसे। मैं आपको लाइव प्रूफ अभी दिखा रहा हूँ, देख लो आप लोग के सामने में ही। रियलमी के बहुत सारे मॉडल्स इसी तरीके से FRP बाईपास होता है, चाहे एंड्रॉयड 13 रहे या 12 रहे, ठीक है, 12 रहे। जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे वेलकम स्क्रीन पे आ चुके हैं हम लोग, तो देख लो FRP बाईपास इस तरीके से हो गया। तो इसी तरीके से आप लोग अपने रियलमी का FRP बाईपास कर सकते हो। आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से Realme 9i का FRP बाईपास करते हैं। सो आज के लिए इतना ही यार, मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो के साथ वापस। तब तक के लिए बाय बाय।